He's so excited, and he only said that I mean, every year we celebrate with Country Club, but Rajiv is always celebrating in Dubai or some other place, Hyderabad. So he told that I was telling him from last year, at least be there. No, you have only seen our performance on computer or on the phone or wherever. I mean, not live. So check our performance live this year, and I think with the audience, Rajiv is also witnessing our performance live for the first time. Yeah. That's amazing. Well, celebration बहुत ही खास है. पिछले 5 साल से हम कंट्री क्लब के साथ जुड़े हुए हैं, राजीव के साथ जुड़े हुए हैं. ये एक फैमिली है. यू नो, जब फैमिली की बात आती है तो आपको बेस्ट देना पड़ता है, और जब बेस्ट की बात आती है तो न्यू ईयर से अच्छा क्या हो सकता है. क्योंकि नॉर्मली लोग बाहर जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, देशों के बाहर जाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं. हम यहाँ पे अपने फैंस के साथ, कंट्री क्लब के सारे मेंबर्स के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. एंड ऑल्सो आपका एक सोलो परफॉर्मेंस ऑलरेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही धमाकेदार था. अब देवीना के साथ कब देखने वाले हैं? वेल, अभी इनफैक्ट 10 मिनट के अंदर हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं हम दोनों साथ में. और वो परफॉर्मेंस कितना खास होने वाला है और कौन से सॉन्ग्स होने वाले हैं? पहले तो वो मैं सोलो शुरू करूंगी, और उसके बाद गुरमीत तो मेरा पीछा छोड़ते नहीं है, वो उसमें भी आएंगे. और हम लोग काफ़ी सारे घुंघरू में डांस करेंगे. फिर हम लोग फिर और किस किस में डांस करेंगे, एक्चुअली इतने सारे गाने में हम लोग डांस कर रहे थे, लंबे लंबे एंट्रीज. और बाय द टाइम इट विल कम ऑन टेलीविजन, इट विल ऑलरेडी बी डन. सो माइट एज वेल से, आई मीन एक्चुअली मैं खुद ही भूल गई, इतने सारे, बहुत सारे गानों में, मतलब इस साल के जितने भी हिट गाने हैं हम सब में परफॉर्म कर रहे हैं. कुछ बेली वगैरह होने वाला है आपके साथ? क्यों ऐसा लग रहा है, वो छिल छिल देख के. हाँ, वो साकी साकी है. Yes, I thought so. Okay, so इसके अलावा, you know, ये तो हो गया न्यू ईयर का जो आज नाइट ब्लास्ट होने वाला है वो, बट इसके बाद कल का क्या प्लान होने वाला है आप दोनों का? वेल, बहुत सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे 31st का परफॉर्मेंस करते हैं और उसी रात की फ़्लाइट होती है हमारी इंडिया के बाहर, कहीं बाहर चले जाते हैं छुट्टियों के लिए. लेकिन इस बार कुछ 4-5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम है, और इसके बाद हम कहीं जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं वो हम अभी आपको तो नहीं बता पाएंगे. डेफिनेटली कल हम बॉम्बे में ही. हाँ, अच्छा. और इसके बाद फिर जो प्लान होने वाला है, इससे थोड़ा सा अपसेट है कि पोस्ट को नहीं जा रही हैं और थोड़ा फर्स्ट को नहीं जा रहे हैं? फॉर श्योर, फर्स्ट को हम लोग अभी लोगों से मिलेंगे. आज एक्चुअली हम लोगों ने काफ़ी दिनों से हम लोग बोल रहे थे कि कांदिवली में आ रहे, बहुत लोग पूछ रहे थे कि हम लोग आएंगे, मिल पाएंगे क्या. तो हम लोगों ने पर्सनली सबको बोला है कि आप एक बार पहुंच जाइए और देखिए हम मिलते हैं कि नहीं. तो आई थिंक आज बाहर बहुत सारे लोग आए हुए हैं हमसे मिलने के लिए खास तौर पे. सो आई थिंक इन लोगों से ही आज मिलते मिलते हम लोगों को काफ़ी लेट या सुबह हो भी सकती है. तो कल का तो कोई प्लान नहीं है. एंड कोई न्यू ईयर का रिजोल्यूशन इस साल का? यार, हर साल हम कुछ ना कुछ प्लान करते हैं और करते भी हैं. तो आई थिंक हर साल क्यों यार, रोज़ आप सोचो कुछ अच्छा अपने लिए, लोगों के बारे में. इनफैक्ट इस साल मैं ये कहना चाहूँगा अपने जितने भी फैंस हैं कि आप सिर्फ अपने बारे में मत सोचो और लोगों के बारे में सोचो, लोगों की हेल्प करो. और इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है जब आप किसी की हेल्प करते हैं. और जैसे कि साथ में 2019 की अगर बात करिए तो किस तरीके से देखते हैं पूरा साल, आप कैसी यादें रहीं उस 2019 में? फैंटास्टिक यादें रहीं. 2019 बहुत ही अच्छा रहा हमारे लिए, और कुछ ना कुछ नया होता रहा 19, और आशा यही करते हैं 2020 जो है वो और भी एक्साइटिंग हो. ओके डेविड, आप क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहूँगी कि हर साल हम लोग साल की शुरुआत करते हैं कंट्री क्लब के लिए परफॉर्म करते हुए. लास्ट ईयर हमने परफॉर्म किया था दिल्ली में, एक अलग फ्लेवर था और एक अलग माहौल था वहाँ पे. और जो भी था, एट द एंड ऑफ द डे वी वर परफॉर्मिंग एंड वी वेलकम्ड द न्यू ईयर. और इस साल भी हम लोग मतलब साल को एंड कर रहे हैं परफॉर्मेंस के साथ एंड वेलकमिंग द न्यू ईयर विद अ परफॉर्मेंस. आई थिंक और इस साल तो ज़्यादा खास है क्योंकि आज हमारे साथ राजीव है यहाँ पे. नॉर्मली ये बिल्कुल भी रहते नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं बाहर रहते हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं. इस बार इनको मैंने रिक्वेस्ट करके बुलाया राजीव को, और कहा है कि राजीव आपको देखना है परफॉर्मेंस करते हुए, क्योंकि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमेशा मीडिया के साथ रहते हैं लेकिन ये कभी नहीं रहते हैं. तो बॉस को आज यहाँ पर बुला लिया है, तो आज आप इनका रिएक्शन देखना कि ये कितने खुश होते हैं हमारे परफॉर्मेंस से. व्हाट डू थिंक राजीव? No, I'm so happy because, I mean, you have seen already the first dance of him.
and it was really amazing. I was watching from the terrace, and there's absolutely no doubt that we are virtually sweeping the markets in Bombay. I mean, this is bahut khushi ki baat kya hai bole to, I mean, after 30 years after the country club was being formed, today, more than 3 lakh people are participating in the country club programs across the country and the Middle East. So, I mean, it is not a joke. I mean, no other industry gives you the benefit of making the members happy, making the members smile, making the members dance and all that. Only country club. So, I mean, it's not a question of money, it's not a question of anything else, but then the fact is, when I was watching the audience from the top, from my chairman's terrace and all that, I was so delighted, because ultimately, khushi ki baat kya hota hai, when you see young people, 2 years old people, 70 years old people dancing and all that, that gives you the ultimate pleasure. I mean, it is no other industry in the world, you take it IT, you take any other industry, can give you the pleasure there of making people smile, dance, and you know, full of laughter and all that. True. So, I mean, I think I am blessed. Okay, so, aakhri ke kuch ghante keh sakte hain, bache hain New Year ke liye. हम तीनों एक साथ एक्चुअली विश करते हैं आप सभी को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं नए साल की और ऐसे ही खुशियां मनाते रहें और बांटते रहिए विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर एंड जिस तरीके से यू हैव ऑलवेज लव्ड अस कीप लविंग अस बिकॉज वी विल नेवर सीज टू एंटरटेन यू द वे ही सेड नो अदर इंडस्ट्री कैन गिव happiness and smile to somebody's face at that moment. So I think we are all lucky to be a part of that industry who is spreading happiness and I mean when you forget all your worries and tension on the side and you just feel happy. So happy New Year. Thanks. Okay, Ganesh, thank you so much. Yeah, I mean what Debina said is really nice. I mean this year, I mean this decade, not only year, we are definitely going to concentrate on making sure that all the members are healthy, happy, and then, excited. Thank you, guys. Thank you so much.